हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? अच्छे हो? चलो बहुत अच्छी बात है। क्या देखा था पिछली क्लास में? जैसे किंगडम फंजाई को देखा था, किंगडम फंजाई, उसमें एस्कोमाइसिटीज स्टार्ट किया था और पूरा कंप्लीट कर वो सॉरी फाइकोमाइसिटीज को पूरा कंप्लीट कर लिया था। और आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो है एस्कोमाइसिटीज। उसको फोर क्लास में डिवाइड किया गया था, किंगडम फंजाई को फोर क्लास में डिवाइड किया, जो फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, वेसिडायोमाइसिटीज और ड्यूटीरोमाइसिटीज थे। तो उसमें पहला जो फाइकोमाइसिटीज था उसको पूरा देख लिया था। आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है एस्कोमाइसिटीज, ठीक है? एस्कोमाइसिटीज ये कैसे फंजाए होती हैं? ये बहुत ही ज़्यादा मतलब सैक लाइक इनका स्ट्रक्चर होता है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है और मल्टी सेलुलर की फॉर्म में ज़्यादा पाई जाती हैं, बहुत ही कम यूनि सेलुलर होती हैं। जैसे मल्टी सेलुलर की फॉर्म में अगर होती हैं तो पेनिसिलियम को ले लो, पेनिसिलियम जो फंजाई होती है वो मल्टी सेलुलर होती है और बहुत ही ज़्यादा होती है। और जो रेयरली यूनि सेलुलर की फॉर्म में पाई जाती हैं, जैसे यीस्ट, क्या है यीस्ट, तो मोस्टली मल्टी सेलुलर होती हैं, मल्टी सेल्यूलर, जैसे पेनिसिलियम। और यूनिसेलुलर की फॉर्म में बहुत कमी से पाई जाती हैं, रेयरली यूनिसेल्यूलर, जैसे यीस्ट, ठीक है? यीस्ट को फंजाई में काउंट कर रहे हैं, सैकेरोमाइसिटीज। ये जो माई कहाँ जहाँ पर भी आ जाए, ये जो माई है जहाँ पर भी आ जाए, समझ लीजिए कि फंजाई का कोई डिस्कस हो रहा है, ठीक है? सैप्रोफाइटिक होती हैं, इनका न्यूट्रिशन कैसे करके लेती हैं, ये सैप्रोफाइटिक होती हैं। सैप्रोफाइटिक मतलब डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस को फूड बनाकर अपने बॉडी में लेना, तो सैप्रोफाइटिक होती हैं। सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक, पैरासाइटिक मतलब अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड है ना, पैरासाइटिक, ठीक है? कॉर्पोफिलस, कॉर्पोफिलस क्या है? ये ग्रोइंग होते हैं डंग पर, जो डंग होता है उसमें ग्रो होने लगते हैं। रिप्रोडक्शन कैसा होगा? रिप्रोडक्शन दोनों टाइप से होगा, एसेक्सुअल भी होगा और सेक्सुअल भी होगा। एसेक्सुअल में जो स्पोर्स होते हैं उनका फॉर्मेशन होगा, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो एसेक्सुअल स्पोर्स के फॉर्मेशन से होगा, जिसे कॉनिडिया कहते हैं। जो रिप्रोडक्शन है वो एसेक्सुअल भी होगा, एसेक्सुअल स्पोर्स से होगा, ठीक है? एसेक्सुअल स्पोर्स कौन से हैं? कॉनिडिया, ठीक है, जो प्रोड्यूस होते हैं एक स्पेशल टाइप के माइसीलियम पर, जिसे कॉनिडियोफोर्स कहते हैं। कॉनिडियोफोर्स दिख रहा है, प्रोड्यूस ऑन माइसीलियम, ठीक है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखो, ये आपका ऊपर का रब कर दूं, देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल स्पोर्स के फॉर्मेशन से होगा, जिसे एस्को स्पोर्स कहते हैं। जो सेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं फंजाई में, एस्कोमाइसिटीज में, उन्हें एस्को स्पोर्स कहते हैं। सेक्सुअल स्पोर्स के फॉर्मेशन से होगा, सेक्सुअल स्पोर्स, ठीक है?
एस्को कार्ब्स कहलाते हैं, एस्को स्पोर्ट्स कहलाते हैं वो। क्या कहलाते हैं? एस्को स्पोर्ट्स। ये कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे फूला हुआ एक स्ट्रक्चर होता है, उसमें ये प्रोड्यूस होते हैं, सैक लाइक एस्की कहलाता है जो। ठीक है, क्या कहलाता है? एस्की। ये जो एस्की होते हैं जिसमें सेक्सुअल स्पोर्ट्स प्रोड्यूस होते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फ्रूटिंग बॉडीज में जनरेट हो जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं। ठीक है, ये जो एस्की है, एस्की अरेंज डिफरेंट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज। फ्रूटिंग बॉडीज मीन वेजिटेटिव फेस जो होगा, फ्रूटिंग बॉडीज। ठीक है, जिसे एस्को कार्ब्स कहते हैं। क्या कहेंगे? एस्को कार्ब्स। ठीक, इसके एग्जाम्पल में क्या लोगे? एस्कोमाइसिटीज के एग्जाम्पल में जैसे क्लेविसेप्स, एस्परजिलस, और क्लेविसेप्स न्यूरोस्पोरा, ये फंजाई हैं एस्कोमाइसिटीज। ठीक है, आप इतना नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट फंजाई कौन सी है? बेसिडायोमाइसिटीज। ठीक है, बेसिडायोमाइसिटीज को स्टार्ट करेंगे अभी। देखो, इसके अंदर जैसे मशरूम्स हैं, बैकेट फंजाए हैं, पफ बॉल्स जैसे होती हैं, जो फंजाए वो इसी के अंदर आती है, बेसिडायोमाइसिटीज के अंदर। ठीक, ये ग्रो होते हैं ज़्यादातर सॉइल के अंदर, जो सॉइल होती है, मिट्टी होती है, उसके अंदर ये ग्रो होने लगते हैं। जहाँ और जहाँ दलदली मिट्टी जो होती है ज़्यादा, वहाँ पर भी ये होती हैं, और गीली लकड़ी होती है उसके अंदर ये पाई जाती हैं। तो ये ज़्यादातर गीली जगहों में पाई जाती हैं, गीली जगहों में जहाँ होंगी वहाँ पर ये पाई जाती हैं। इनके अंदर जो जैसे हैबिटेट, इनका लिखो हैबिटेट, कौन ग्रो इन सॉइल, सॉइल में बहुत जल्दी से ग्रो होती हैं। ठीक, स्टम्स, ट्री स्टम्स, पेड़ के बिल्कुल, पेड़ की तनाओं के नीचे। ठीक, और वेट प्लेसेस, गीली जगहों पर। ठीक है, बेसिडायोमाइसिटीज इन जगहों पर पाई जाती हैं ज्यादातर। रिप्रोडक्शन कैसा है इसमें भी? इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा और सेक्सुअल भी होगा। ठीक, देखो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो फ्रेगमेंटेशन से होगा, फ्रेगमेंटेशन। ठीक, फ्रेगमेंटेशन से होगा। देखो, जो फंजाई होती है बेसिडायोमाइसिटीज, उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से होगा, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसीलिए नहीं होगा क्योंकि उसके अंदर सेक्स ऑर्गन्स ही एब्सेंट होते हैं, सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होते हैं, इसीलिए नहीं होगा। जो स्टेजेस होती हैं प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और मियोसिस, फंजाई में तीन स्टेजेस होती हैं, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और मियोसिस। देखो, प्लाज्मोगैमी कहाँ होगी? दो वेजिटेटिव या दो सोमेटिक सेल्स के फ्यूजन से जो बनेगी, वो जो अकर होगी वो होगी प्लाज्मोगैमी, अकर बाय फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमेटिक सेल्स,
और सोमेटिक सेल्स जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जीनोटाइप की हो सकती हैं, डिफरेंट जीनोटाइप की हो सकती हैं। और प्लाज्मोगैमी हो गई, कैरियोगैमी कहाँ होगी? देखो जब इनका फ्यूजन होगा तो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर कैसा आएगा? डाइकैरियोटिक आएगा। जब इस दो वेजिटेटिव और सोमेटिक सेल्स का जब फ्यूजन हो जाएगा तो जो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर है वो डाइकैरियोटिक होगा। स्ट्रक्चर इज डाइकैरियोटिक। ठीक है, ये तो प्लाज्मोगैमी हो गई। कैरियोगैमी और मियोसिस कहाँ होंगी? पहले आप ये नोट डाउन कर लीजिए, थोड़ा रफ कर दूं। देखो कैरियोगैमी और मियोसिस कहाँ होंगी? बेसीडियम पर प्रोड्यूस होती, बेसीडियम पर होती हैं। कैरियोगैमी एंड मियोसिस कहाँ लेंगी अपनी जगह? टेक्स प्लेस इन बेसीडियम। ठीक है, कहाँ होती है? बेसीडियम पर होंगी, अपनी जगह लेंगी। जो प्रोड्यूस करती हैं फोर बेसिडायो स्पोर्स को, क्या प्रोड्यूस करेंगी? फोर बेसिडायो स्पोर्स, फोर बेसिडायो स्पोर्स। ठीक है, ये फोर जो बेसिडायो स्पोर होते हैं ये किस पर प्रोड्यूस होंगे? ये होंगे बेसिडियम पर, प्रोड्यूस बेसिडियम, ऑन बेसिडियम। अच्छा, ये इसका प्लूरल क्या होगा? बेसिडाया। ठीक, बेसिडिया अरेंज हो जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जब फ्रूटिंग बॉडीज में, तो क्या कहलाएंगे? बेसिडायो कार्प्स। एस्कोमाइसिटीज में एस की जो थी डिफरेंट टाइप की फ्रूटिंग बॉडीज में अरेंज हो जाती है तो वो क्या कहलाती है? एस्को कार्प्स। ठीक, जो बेसिडाया होता है अरेंज हो जाता है डिफरेंट टाइप की फ्रूटिंग बॉडीज में, फ्रूटिंग बॉडीज। तो क्या कहलाएगा ये? बेसिडायो कार्प्स। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए क्या लोगे? एग्जाम्पल के लिए लोगे अस्टिलागो। ठीक है, अस्टिलागो और पुकिनिया, जो वीट होता है उसके ऊपर वाइट स्पॉट आ जाते हैं वो इसी फंजाई की रीजन से होता है। ठीक है, इसमें लिखो रस्ट फंगस, रस्ट फंगस। ठीक है, तो ये एग्जांपल होगा इसके। ये बेसिडायम यहीं पर कंप्लीट होगा और फिर इसके बाद में होगा ड्यूटेरोमाइसिटीज। पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए। तो अभी कौन से फंजाई स्टार्ट करें? ड्यूटेरोमाइसिटीज। ड्यूटेरोमाइसिटीज इसे इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं। इम्परफेक्ट फंजाई क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो रिप्रोडक्टिव फेस होता है वेजिटेटिव और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही पता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं या नहीं यह भी नहीं पता है इसका, ड्यूटेरोमाइसिटीज का। ठीक है, इसीलिए इसे इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं। नो इम्परफेक्ट फंजाई।
क्योंकि इसका वेजिटेटिव और एसेक्सुअल फेस ही पता है, वेजिटेटिव और सेक्सुअल फेस ही पता है, ठीक है। जब सेक्सुअल डिस्कवर्ड हो जाती है इस फंजाई में, तो इसे एक क्लास के अंदर मूव कर दिया जाता है। तो आप कह सकते हो कि जो वेजिटेटिव और एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव फेस जो है एसेक्सुअल, उसे ड्यूटेरोमाइसिटीज में, और जो सेक्सुअल फेस है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो एक क्लास के अंदर। देखो वेजिटेटिव और एसेक्सुअल, फेस ड्यूटेरोमाइसिटीज में, और सेक्सुअल फेस उसको एक क्लास के अंदर। देखो इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर वैसे होता नहीं है, इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, लेकिन एसेक्सुअल स्पोर्स के फॉर्मेशन से होगा, जिसे कॉनिडिया कहते हैं, एसेक्सुअल स्पोर्स के फॉर्मेशन से होगा, ठीक है। ये कैसे होते हैं, सेप्रोफाइटिक होते हैं, सेप्रोफाइटिक, ठीक है, और हेल्प करते हैं मिनरल साइक्लिंग में, हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग, ठीक है। अल्टरनारिया नाम की जो फंजाई होती है, जैसे एग्जांपल में अल्टरनारिया, कॉलिटोट्रिकम और ट्रिकोडर्मा, ये सब इस ड्यूटेरोमाइसिटिस फंजाई की एग्जांपल है। ये जो है, ये ड्यूटेरोमाइसिटिस, ये सारे तीन जो बचे थे, एस्कोमाइसिटिस, बेसिडायोमाइसिटिस और ड्यूटेरोमाइसिटिस, यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए।